फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और हैप्पी संडे। आज है संडे और अभी बज रहा है मॉर्निंग का 9:45 और वहां पे देखो क्या हो रहा है। क्या है बेटा ने संडे का जो मस्ती का सुबह शुरू कर दिया है ऑलरेडी, वो ये देखो एक बाढ़ है। बाढ़ बाबू पूरा लाइट फाइट ऑफ करके पूरा बंद कर दिया है। और कल वो इधर ही सोया था उसका टेंट हाउस में, आधा टेंट हाउस बना था, अभी पूरा ब्लैंकेट लेकर इसको ऐसे बना के छोड़ दिया है और वो उसके अंदर ही है। और ये काल का फेरी लाइट उसको ये बहुत पसंद आया बाबू को, ये दिवाली के टाइम लगा दे। पर काल दोनों बाप बेटी बेटा तीनों ने बोले कि ये लाइट लगाएंगे और हम लोग इधर क्या पार्टी बनाएंगे पार्टी। और ये बैलून तो रहेगा, अभी कुछ दिन तो रहेगा बैलून। हाय बाबू, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग बाबू। मैं लाइट ऑन कर लूं बाबू, दिखाई नहीं दे रहा है बाबू। ओके लाइट ऑन कर लेती हूँ। बोला मामा लाइट वाइट मत ऑन करो, मैं ऐसे ही रहूंगा। या हाँ अभी दिखाई दिया। यस, मैं किचन में जाने के बाद बंद कर देना, ठीक है। और उसको वो साइज कर रहा है कितने बार वो मतलब क्या निकलता है, कितने बार वो उसको साइज करता है, उसको वो पसंद है बच्चे को। बाबू गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग। संडे का मॉर्निंग तो थोड़ा सा लेट में चल रहा है हमारा, क्योंकि हम उठे भी लेट से। चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में। कर लेती हूँ लाइट ऑन। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी पाव भाजी, वो बहुत दिन से हम लोग खाए नहीं थे। आज बच्चे ने बोला था, कल ही बोले थे क्योंकि हबी ने तो परसों ही लेकर आ गए थे बड़ा वो पाव का पैकेट। पर कल तो मतलब बिजी रूटीन में मैं पाव भाजी बना नहीं पाई। तो कल ऐसे ही वो सेम ही बनाई थी और उसके साथ मैगी भी, क्योंकि सैटरडे संडे एक दिन तो मैगी बनेगा। तो कल मैगी बना के बच्चे ने ब्रेकफास्ट कर दिया था, फिर मैं फटाफट खाना पाना बना के, बहुत काम था कल इसलिए कल बनाया नहीं। मैं बोला संडे का ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे, संडे के दिन बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए बनाते हमारा पाव भाजी। पाव भाजी तो बहुत ईजी है, क्या सब वेजिटेबल काट के कुकर में डाल दो, मसाला डाल दो, हो गया, बच्चे भी खुश मामा भी खुश। अपना ये चॉपिंग ऐसे नहीं होगा, ये सारे सब्जी को मैं एक ही सेकंड में कट कर लूंगी। जादू देखना है तो देखिए, देखिए हो गया ना चॉपिंग। हाथ झपकते हैं, काश हमारा लाइफ भी इतना इजी हो जाता, जैसे आंख झपकते हैं सारा काम हो जाता, जैसे हम चिटकी मारे फिनिश काम। पर ऐसा नहीं है, इसके पीछे कितना पंपड़ बेलना पड़ता है हमें ही पता है। पाव भाजी बनाने के लिए मैं ये सारे वेजिटेबल ली हूँ। मैं ली हूँ पटाटो, एक बड़ा वाला पटाटो, कैरेट, दो कैरेट, एक कॉलीफ्लावर का थोड़ा टुकड़ा, एक कैप्सिकम, दो छोटा वाला टमाटर और एक कटोरी ग्रीन मटर, और चाहिए हमें बटर। और ये पाव तो चाहिए, पहले बना देंगे हम पाव का भाजी, भाजी बनाने के बाद पाव को सेकेंगे। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं कैसे बनाएंगे भाजी। कुकर में सारा वेजिटेबल को डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे और एक कप पानी दे देंगे। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, दो सीटी देने तक पकाएंगे हम। मैं थोड़ा सा ऑयल ली हूँ और बटर भी हाफ डालूंगी, बटर भी एक स्पून डालेंगे। फिर बटर डालेंगे तो जल जाएगा, ये प्याज नहीं फ्राई होगा। फिर थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बटर डालेंगे और ऑनियन को फ्राई करेंगे। और ये जो मैं भाजी बनाई थी बॉइल सब्जी को,
बॉइल्ड वेजिटेबल को मैं थोड़ा मैश भी कर दिया। पाव भाजी में जो भाजी का पूरा रेड कलर आता है ना, पर मैं तो कलर यूज नहीं करती, इसलिए मैं अभी इसी ऑयल में बट थोड़ा लाल मिर्च दे दूंगी। लाल मिर्च से हमारा वो तो कलर आ जाएगा, पर वैसा रेड नहीं आएगा, पर कलर थोड़ा आ जाएगा। मम्मा, आज क्या बनेगा ब्रेकफास्ट? पाव भाजी बन रहा है बाबू। यस। अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी पाव भाजी मसाला। अब ये वेजिटेबल का करी को डाल देंगे। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली डालूंगी इसके ऊपर और धनिया पत्ता। सॉल्ट जब मैं बॉईल की थी वेजिटेबल तब डाल दिया था, इसलिए अभी नहीं डालूंगी और सॉल्ट। हो गया पाव भाजी। अब गैस बंद कर देंगे। अब मैं पाव को सेक दूंगी। अब पाव को सेकेंगे। हो गया मेरा पाव सेकना, भाजी भी हो गया, पाव भी हो गया। हो गया मेरा पाव भाजी ब्रेकफास्ट। कैसा लगा आपको जरूर बताइए। अब बच्चों को दे देती हूँ पाव भाजी ब्रेकफास्ट के। और संडे का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा ही होना चाहिए, हैवी वाला। अब मैं बच्चों को दे दूंगी खाना और हम थोड़े देर के बाद खाएंगे, तभी अच्छा लगता है। कैसे हुआ बाबू? यम्मी। ओके खा लो। हबी और मैं थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। हबी गए बाथरूम, वो आने के बाद करेंगे। और अभी फिर लंच का प्रिपरेशन करूंगी। लंच में आज सिंपल सा बना लूंगी, फिश फ्राई, राइस, दाल, ऐसा कुछ, और हस्बैंड के लिए एक सब्जी, बस हो गया। और आज मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। और ये तो चिड़िया घर बना के रखा है, टेंट हाउस। इसके अंदर 2-3 बेडशीट डालकर इन्होंने जो हरकत की है बच्चों ने। बाबा ये कब तक रहेगा? मामून ये कब तक रहेगा? 2-3 दिन रहेगा ना, निकलेगा? जब मैं बड़ा होऊंगा ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। अच्छा लग रहा है, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, रहने दो इसको ऐसा। लंच बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बैठ के एडिटिंग कर रही थी, कल का बर्थडे का वीडियो अभी तक नहीं पोस्ट की हूँ, थोड़ा और है बस, अभी पोस्ट कर दूंगी आधा घंटे में। इसलिए कंप्यूटर खाना ऐसे मैं कर रही हूँ। कोई भी एक चीज में आज मन नहीं हो रहा है, क्योंकि दो चीज एक साथ कर रही हूँ मैं। अभी लंच में मैं मसूर का दाल बना दिया, राइस भी कुकर में हो गया है, फिश फ्राई करूंगी। और ये परवल को सिंपल सा एक बनाऊंगी। परवल को मैं किस तरह से कटिंग कर लिया, चॉपिंग कर दिया है, छोटा छोटा करके इस तरीके से।
और ये पोटैटो मिला के एक सिंपल तरीके से करूंगी मैं। परवल आलू का करी एक होता है, आप देखिए कैसे बनता है। ये तो बहुत सिंपल का है पर बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ सादा खाने का मन किया तो मसालेदार खाना नहीं खाना का मन किया तो इस तरह से बना सकते हो परवल का। चलिए बनाते हैं। फिर थोड़ा मैं अभी मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और तेल गर्म होने के बाद हम ये पंचफोड़न और ये लास्ट ड्राई रेड चिल्ली को तड़का लगाना है। अब इसमें मैं डालूंगी हींग, फिर अब ये पोटैटो को डालूंगी। पोटैटो को थोड़ी देर फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं ये वो परवल डालूंगी। अब मैं इसके अंदर ये परवल डाल दूंगी। परवल और आलू को अभी अच्छे से फ्राई करना है। पोटल और आलू अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर तीनों डाल दिया और इसको अच्छे से अभी भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी, टमाटर डाल के फिर अच्छे से मिक्स करूंगी। टमाटर गलने तक हम इसको भुनेंगे। थोड़ा ढक के भुनूंगी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पका के बंद कर दूंगी गैस को। अब 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, ढक के पका के गैस बंद कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर धनिया पत्ता डाल दूंगी। अब ढक दूंगी, हो गया हमारा परवल का करी। परवल का करी हो गया। अब मैं करूंगी फिश फ्राई। फिश फ्राई में मैं नमक, हल्दी, चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा फिश फ्राई मसाला देकर मैरिनेट करके रख दी थी। अब करूंगी मैं फिश फ्राई। बाबा कैसा लग रहा है फिश फ्राई? यम्मी। उसको फिश फ्राई तो बहुत पसंद है, तो मेरा भी खाना भी बन गया है। बस फिश फ्राई हो गया तो हम लोग भी खा लेंगे। और ये है परवल का करी, बहुत अच्छा लगता है। प्लेट
फिश फ्राई और ये है मसूर का दाल राइस। आज सिंपल लंच है, संडे लंच पर सिंपल है आज। चलो एक आगे खाते हो, मैं भूख लग गया जल्दी। खाना पीना खाकर अब आकर बेड में लेट गए सारे। सोने के थोड़ा कोशिश कर रही हूँ मैं, पर नहीं सो पा रही हूँ क्योंकि ये लोग सोने नहीं दे रहे। इनका चल रहा है स्टोन पेपर सीजर, ये ऑल टाइम स्टोन पेपर सीजर इनका चलना होता है। खाने के लिए भी बैठते हैं तो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ये देखो कैसे हो रहा है, देखो। और ये हमेशा हारता है। नहीं, मैं जीतता हूँ। जीतते हो, कभी कभी जीतते हो ना हमेशा। देखो अभी देखते देखते अभी कौन जीतेगा, देखते। ओके, फाइव पॉइंट्स। ओके, कौन जीता? तुम जीता? ओके, अब मैं थोड़ी सो लूंगी और ये दो नन्हे मुन्ने चुने मुन्ने बच्चे को भी सुला दूंगी इधर। अब जितने भी नाना करे पर मामा का दान सुनते ही सो देंगे। हार गया दीदी, मुझे गुदगुदी गुलगुदी करेगी आज। ओके ओके मामा, ज्यादा जोर से नहीं, मामा जोर से नहीं, जोर से। ओके, और यहीं पे बैठे हैं हबी जी। हबी, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।